तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ कॉइन डीसीएक्स में एक बहुत ही बेहतरीन कॉइन के बारे में, जो इस समय बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन के साथ में है। ठीक है, तो जो लोग नए आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, मेरे वीडियोस को कीजिए लाइक, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे नए वीडियोस बना सकूँ क्रिप्टो के बारे में। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए आइए, मैं अब बताता हूँ आपको। मैंने पिछले भी दो वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको किस तरीके से आपको कॉइन डीसीएक्स का अकाउंट बनाना है, और उसके बाद मैंने फिर डच कॉइन के बारे में बताया था। तो जो लोग नए हैं वो लोग मेरे चैनल पर जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं कि किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो आज मैं देखता हूँ, आज आपको मैं ये वाले कॉइन मतलब MDX के बारे में बताने वाला हूँ कॉइन का। ये इस समय बहुत ही मार्केट में है, बहुत सारे लोगों के आपने मुंह से सुना होगा कि अगर अब तुमको क्रिप्टो में किसी कॉइन पे इन्वेस्ट करना है तो तुम MDX कॉइन पे इन्वेस्ट करो। तो वही चीज़ है, आज मैं आपको MDX कॉइन के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। तो आप देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे होंगे, इस समय 6.66 रुपये चल रहे हैं। ठीक है, तो आज का इसका थोड़ा सा मार्केट डाउन है, बाकी आप कल परसों तक में डेट में देख सकते हैं ये कहाँ तक गया था। ये कल के डेट पे 6.98 रुपये पे गया था, और उसके बाद ये 11 तारीख को 7 रुपये तक गया, मतलब 1 रुपये के फ्लैक्चुएशन पे ये जाता है। तो जो लोग अगर ख़रीदना चाह रहे हैं वो लोग ख़रीदेंगे, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट। और जैसे अभी आप अगर ख़रीद लेते हो 6 रुपये में, तो जब ये 7 रुपया, ये 8 रुपये तक भी जाता है, 9 रुपये तक भी जाता है, तो आपको ये 2 रुपये का बेनिफिट के ऊपर देगा। तो इस हिसाब से अगर आपने 10 कॉइन ख़रीदा है 6 रुपये के हिसाब से, तो 60 रुपये का आपको 10 कॉइन पड़ेगा। मगर जब आप इसको सेल करोगे ना, तो ये आप 8 रुपये तक में अगर सेल करोगे तो आपको 20 रुपये का बेनिफिट ये देगा। ठीक है, तो आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छी कॉइन है। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट भी किया है, 3971 लोगों ने इन्वेस्ट किया है, माइनस अभी 60 पे चल रहा है, फिर भी कोई नहीं, मार्केट है, ये अप डाउन होता रहता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।